जितने इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं, जितने मैं कह रहा हूं सबसे आखिरी दर्जे का सैटेलाइट चैनल जितने हैं, उसके मालिक को तो आप छोड़ ही दीजिए, मालिक तो दुनिया जान चुकी है, अडानी अंबानी और ये वो तीन चार लोग हैं, उनके जितने भी प्रोग्राम मैनेजर, जितने भी एंकर, जितने भी उनके बड़े जो प्रोग्राम होस्ट करते हैं, नाम एक लाइन से आप गिन लो, एक भी आपको अगर बहुजन समाज का मिल जाए, एक भी कह रहा हूं मैं, एक भी, अंतिम पायदान की बात कर रहा हूं, ओबीसी भी ढूंढोगे ना मिलेगा, टोटल आपको दुबे, चौबे, शुक्ला, त्रिवेदी, त्रिपाठी, क्या कहते हैं, पाठक, इस तरह के पांडे, झा, आपको इतने में ही लगभग 90% मिल जाएगा। तो उनको तो पता है, वो पता होने से क्या होगा, उनका तो स्क्रिप्ट इसी पर तैयार होता है, सच पीछे झूठ आगे, सच पीछे झूठ आगे, ये तो प्लानिंग है और इसी झूठ पर घेर कर रखा है यहाँ तक। तो मैं देश को 74वें गणतंत्र दिवस पर देश के उन मालिकों को, देश के उन 85% लोगों को आह्वान करता हूँ कि अब समय आ गया है मेरे भाई, जाग जाओ, और नहीं जाग सकते हो तो दो नारा याद रख लो, जाग जाओ या फिर भाग जाओ, अब तुम रेस में नहीं रहोगे, रेस से पीछे भाग जाओ। लेकिन जो अंधविश्वास फैला रहे हैं देश में, ये कैसे रुकेगा ना, ये तमाम जो बाबा बहुजन समाज जागेगा सब रुक जाएगा। अंधविश्वास इस्लाम में नहीं था, मुसलमानों में नहीं है क्या? अंधविश्वासी मौलाना हमारे यहाँ गंडे ताबीज वाले नहीं है क्या? लेकिन हमारे यहाँ विरोध भी है, हमारे यहाँ प्रोटेस्ट है, हमारे यहाँ सल्फी मसलक है, हमारे यहाँ शाफई है, हमारे यहाँ देवबंदी है, रोक रहा उसको, रोकने वाली टीम भी है। और एक तरफ हमारे यहाँ जो बरेलवी, जिसकी आड़ में जो सुन्नी मसलक है, उसकी आड़ में कुछ लोग गंडा ताबीज की दुकान चलाते हैं, लेकिन सुन्नी मसलक भी इसका विरोध कर रहा है और जमकर विरोध कर रहा है, दावत इस्लामी विरोध कर रहा है, मसलक आला हजरत विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये दुआ ताबीज गंडा बेचने खरीदने की चीज नहीं है, शिफा के लिए दुआ है, ठीक है, आप ईश्वर से प्रार्थना कर देंगे, दुआ कर देंगे। तो ऐसे में हिंदू धर्म में यह है कि विरोध करने वाले लोग नहीं हैं। अब विरोध किसने किया था, तो इतिहास साक्षी है कि शिक्षा से किसने रोका था, आपको बताना बार बार पड़ेगा, 50 साल से लोग बता रहे हैं, माता सावित्री बाई फूले के बदन पर गोबर किसने डाला था, अरे किसी मुसलमान ने डाला था क्या, किसी सिख ने डाला था क्या, किसी ईसाई ने डाला था क्या, किसी बौद्धिस्ट ने डाला था क्या, आप बताओ तो किसने डाला, किसी नास्तिक ने भी नहीं डाला, कम्युनिस्ट ने भी नहीं डाला, क्योंकि वो इन चीजों में रुचि नहीं रखता, तो फिर डाला किसने, सावित्री बाई फूले को रोका किसने और क्यों रोका, यही तो सवाल है और इसी का तो जवाब चाहिए, ये कौन सी मानसिकता थी। जी धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र बना दिया, जो आजकल चमत्कारी बाबा, वैसे 70 बाबा तो पहले बना चुके, आप छोड़िए ना, आप लोग फिर कहां जाएंगे 70, अरे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे 70 बाबा आए, हिंदू राष्ट्र की घोषणा किए चले गए, हमें अफसोस नहीं है, लेकिन सरकार जो कार्रवाई नहीं कर रही है ये अफसोसनाक मामला है, क्योंकि संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए, इस पर विश्वास बनाए रखने के लिए ऐसे पाखंडियों पर, विशेषकर जो देश की बात कर रहा पाखंडी, अब तो मैं पाखंडी कह रहा हूं उन तमाम लोगों को जो ये कहते हो, अरे चमत्कार है वो, चमत्कार वो अपने जेब में रखे हैं, मैंने कई बार चैलेंज उनको किया है, आज मैं फिक्र रहा हूं, वो वशीकरण भी करते हैं, मैंने कहा वशीकरण करते हो तो मोदी जी को मेरे बस में करके दिखा दो, तुम अपने बस में कर लो, छोड़ो, ठीक है, वापसी भी तो करते हैं वो, कुछ भी ना करते हैं वो, सब ढकोसला, वो हमारे यहाँ तोता 5 रुपए दो ना 10 रुपए, सड़क पर आप लोग जाते हो, पता नहीं कैसे पत्रकार हो आप लोग, सड़क पर जाते हो देखते हो कुछ लोग बैठे हैं एक फुटपाथ पर एक तोता लेके पिंजरा में, 10 रुपया दो वो तोता निकलेगा, एक लिफाफा उठाएगा और आपको पकड़ा देगा, वो पंडित जी पढ़ के सुना देंगे, आपका पड़ोसी आपसे खुश नहीं रहता है, पड़ोसी बहुत जलता है, बच्चे आपके कब्जे में नहीं है, बीवी जो है वो आपकी बात सुनती नहीं है, और माँ, अरे ये जो कॉमन चीज है, बीवी से हर आदमी का रोज कुछ ना कुछ हो ही जाता है, बच्चे भी तो हो रहे हैं उनसे, बच्चे भाई सारा मामला, तो तोता जिस देश में ये काम कर दे तो तोते का मालिक पंडित जी क्यों ना कर दे भाई, इसलिए ये सब चमत्कार बकवास है, वो ओपी शर्मा का जादू जाके उससे अच्छा देख लीजिए, वो आपको मुर्दा जिंदा सब 2 मिनट में कर देगा, कितने को गायब भी कर देगा, हमको तो लगता है शास्त्री जी जाए अगर जादू देखने ओपी शर्मा का, तो शास्त्री जी को भी ओपी शर्मा गायब कर देगा, ये आप नोट कर लें, आप मानते हैं कला स्किल है ये, बिल्कुल है ही, और यही सब करते हैं मुसलमानों में भी, जो इल्मे नुजूम और जो इल्मे जफर और ये सारे सितारे ये सब जो पढ़ाए जा रहे हैं, ये गुना भाग करके मामला कला है, ठीक है, ट्रिक जिसको अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेज बड़ा अच्छा मामला था, उसने सब काम सिंपल सिंपल कहा, दलाल को उसने एजेंट कह दिया, देखिए उसका सारा लफ्ज बड़ा अच्छा अच्छा है, तो मैं उसी पर कह रहा हूं ट्रिक, ये टोटल ट्रिक है,
और हमारे यहाँ जहालत जब तक होगी हम इसी ट्रिक में ट्रैप में फंसते रहेंगे। नया बयान जो है वो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि साहब तुम मेरा साथ दो, जैसे उन्होंने कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो कह रहे हैं एक नया नारा है तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए आपने इस नाम के साथ नेताजी का नाम जोड़ दिया और ये बड़ा ही मेरे लिए दुखदायी और कष्ट। बाबा जी ने जोड़ा है पहले, बाबा जी ने जोड़ा है, बाबा जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पांव के जूते के बराबर भी नहीं है। नेताजी नेताजी थे, नेताजी नेताजी हैं और नेताजी जब तक भारत रहेगा उनका नाम अमर रहेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब बागेश्वर धाम के बाबा शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है ये परंपरा रही है भारत की, दुर्भाग्य से इसमें हमारे भी कुछ लोग हैं कि जब वो कहीं फंसते हैं तो धर्म की आड़ लेते हैं अपने आप को ताकतवर बनवाने के लिए और अपने उन असंवैधानिक कृत्यों पर पर्दा डालने के लिए। वही काम बागेश्वर धाम के बाबा ने भी किया जब वो बुरी तरह फंस गए। उनके एक बयान नहीं है, उनके 7-8 ऐसे बयान आए हैं जो असामाजिक अधार्मिक और असंवैधानिक भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि वह सरकारें भी खामोश हैं। ऐसे बाबा पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अभी जो बयान उन्होंने दिया कि तुम मुझे मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, भारत के उन तमाम लोगों को जो आज स्वतंत्रता और बंधुत्व और समता और समानता की बात करते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान ने जिन्हें एट्रोसिटी एक्ट दिया, संविधान ने जिन्हें सम्मान दिया, संविधान ने जिन्हें आरक्षण दिया, संविधान ने जिन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग शब्द है। ये केवल सरकार के लिए नहीं, भारत के उन बहुसंख्यक बहुजनों के लिए जिसमें SC ST OBC टोटल माइनॉरिटीज़ मुस्लिम क्रिश्चियन सिख बौद्ध जो भी हैं उन सबों के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है कि यदि ऐसे समय में भी वो अपनी अपनी ढोली और अपनी अपनी अपना अपना राग अगर करेंगे, ऐसे समय में भी वो अगर कुछ निजी स्वार्थों के लिए वर्तमान सरकार वर्तमान सत्ता के साथ वो खड़े कांधे से कांधा मिलाकर होंगे, ऐसे समय में भी अगर उन्होंने चुप्पी साध रखी किसी कारणवश रामदास अठावले की तरह, तो याद रखेंगे कि अब वो समय उनको दोबारा नहीं मिलेगा कि फिर कोई ऐसे लोग पैदा होंगे जो इन्हें मुक्ति दिला पाएंगे।